हाय एवरीवन, हम पार्ट वन में एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में देखेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स और इनके क्लासिफिकेशन। देखो क्या होता है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक बेंजीन रिंग हो। जैसे सिंपली ये बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये बेंजीन है, हमने इस पे ऐसे CH3 अटैच कर दिया, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे इस पे और साइड चेन लगा दी, देखो ऐसे CH2 CH3 यहाँ पे लगा दिया, ऐसे CH3। तो ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ये मेन इक्वल नंबर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है और जो हेलोजन्स होते हैं उनकी दोनों की ही वैलेंसी वन होती है, वन वैलेंसी होते हैं। तो जितने हाइड्रोजन जाएंगे उतने ही हेलोजन एटम आएंगे। तो इनको अगर इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोजन को, तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ये दो तरह के होते हैं मेनली। पहला होता है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव और सेकेंड साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है? हेलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। ये एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये एक एरोमेटिक रिंग है। इस पे ये ऐसे छह हाइड्रोजन्स होते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का। तो अगर इन एच को रिप्लेस कर दे, जो इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इन एच को रिप्लेस कर दे किसी हेलोजन से, मान लो इसको रिप्लेस कर दे क्लोरीन से, क्लोरीन से रिप्लेस कर दे, क्लोरीन इसमें ऐड कर दे और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दे, तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है इट विल डायरेक्टली अटैच टू वन ऑफ द कार्बन ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग। ये हो गया। तो ये होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच हो किसी एरोमेटिक रिंग से। ये हो गया जैसे क्लोरोबेंजीन, ऐसे हमने इस पे लगा दिया यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। मतलब जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। और इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं अराइल हलाइड, अराइल हलाइड। और सिंपली इनको ऐसे लिखते हैं AR फॉर अराइल एंड X फॉर हलाइड, तो ARX अराइल हलाइड ये बोलते हैं इनको। ये हो गया न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। इन साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग की साइड चेन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए हैलोजन एटम से, तो वो बन जाता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, ये इस पे हमने लगा दिया C2CH3, ये इसकी साइड चेन है। अब यहाँ से हम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसी हैलोजन एटम से, तो वो हो जाएगा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब जो हैलोजन वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, जो डायरेक्टली ये एरोमेटिक रिंग है इससे अटैच ना होके साइड चेन पे लगे। जैसे हो गया CH2 और इसको लिख दे CH2Cl, तो ये क्या हो गया हमारा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। इनको कॉमन नेम इनका होता है एर अल्काइल हैलाइड। एर फॉर की अराइल है, एरोमेटिक है, अल्काइल की ये एरोमेटिक रिंग पे जो अल्काइल चेन है उस पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हैलोजन अटैच हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है एर अल्काइल हैलाइड। तो ये दो तरह के होते हैं हमारे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। वन इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव की डायरेक्टली अटैच हो, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव इसमें साइड चेन पे बेंजीन रिंग पे साइड चेन, और उस साइड चेन पे किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हैलोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम, कि जिस कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। इसके बेसिस पे भी तीन टाइप के होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, सॉरी हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंपाउंड तीन तरह के होते हैं। एक होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3x बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो। सेकेंड है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, और थर्ड क्या हो सकता है कि वो sp हाइब्रिडाइज हो। तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, sp2 एंड sp3। तो जो sp3 है, मतलब कार्बन sp3, इसका क्या मतलब है कि कार्बन पे चार बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, चारों ही सिंगल बॉन्ड है। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो जो चारों बॉन्ड है वो चारों ही सिंगल बॉन्ड हो, तो उस कार्बन को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 में क्या होता है कि एक भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए इस तरह से, तो ये दोनों ही कार्बन क्या होंगे इस केस में, दोनों डबल बॉन्ड पे हैं, दोनों कार्बन के एक, मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इस पे अगर डायरेक्टली कोई हैलोजन अटैच हो तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और sp होता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन तीन, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे अगर कोई हैलोजन अटैच हो तो इस कार्बन को बोलेंगे ये है sp हाइब्रिडाइज्ड।
SP हाइब्रिडाइज। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन वैसे 11th में पढ़ी होगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर चारों ही सिंगल बॉन्ड हो तो SP3 हाइब्रिडाइज, एक भी डबल बॉन्ड हो तो SP2 हाइब्रिडाइज, और तीन ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब कार्बन कार्बन बेस्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो SP हाइब्रिडाइज। तो इसके बेसिस पे इनको भी फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है। जो कार्बन SP3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है उसको आगे चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेनली तो तीन ही है लेकिन चार होते हैं। देखो, एक है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ये जिसको हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, हेलो एल्केन, वो इस कैटेगरी में आते हैं कार्बन SP3 एक्स बॉन्ड। नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड, एक एक करके इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। अलाइलिक हैलाइड थर्ड वन है, बेंजाइलिक हैलाइड थर्ड है, बेंजाइलिक हैलाइड, और फोर्थ है प्रोपरगाइल हैलाइड। एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे क्या होते हैं, प्रोपरगाइल हैलाइड। और इसमें जो कार्बन SP2 हाइब्रिडाइज है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है विनाइलिक हैलाइड और एक अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड जिसको हम हेलो अरीन्स भी बोलेंगे, हेलो अरीन। और इसमें कोई आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक ही तरह के होते हैं कार्बन SP एक्स बॉन्ड। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। देखो, अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि सिंपल एक अल्केन है। अल्केन्स क्या होते हैं, इनका सिंपल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये होता है। तो इनमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय हैलोजन ग्रुप, यानी क्या बना दे, CnH2n+1 and X, एक हैलोजन अटैच कर दे, तो ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो इस केस में जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, दैट विल बी SP3 हाइब्रिडाइज। जैसे हमने लिया CH3, ये हमारे क्या हो गया, ये इथेन, इथेन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, हम कहे CH3CH2, और यहाँ पे हमने लगा दे सपोज ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन क्या है, SP3 हाइब्रिडाइज है। अगर इसको हम खोल के लिखे तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन पे 3H, इस कार्बन पे 2H और ये ब्रोमीन। तो मतलब इस कार्बन ने कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया, इसके सारे बॉन्ड सिंगल ही है, चारों बॉन्ड सिंगल है, देन इट इज SP3 हाइब्रिडाइज। तो जिस SP3 हाइब्रिडाइज पे ये हेलोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे कार्बन SP3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड, कार्बन SP3 एक्स बॉन्ड। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड है मतलब हेलो एल्केन से, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, कार्बन SP3 एक्स बॉन्ड वाली कैटेगरी में। ये ऐसे रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मान लो ये है हमारा साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये तो ये ओपन चेन के लिए था ये वाला फॉर्मूला, तो साइक्लोपेंटेन है, तो इसमें भी सारे इस तरह से दो दो एच होते हैं यहाँ पे, मतलब कार्बन है वो एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हम, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय हैलोजन ग्रुप, मान लो ये तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन, तो ये भी क्या बन गया, कार्बन SP3 एक्स बॉन्ड। तो ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे, बेशक ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक हो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो इसी कैटेगरी में आएंगे, कार्बन SP3 एक्स बॉन्ड। इनको भी फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है कि हैलोजन अटैच होता है अलाइलिक कार्बन पे। अब अलाइलिक कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन। अगर इस कार्बन पे हैलोजन अटैच हो, इस कार्बन पे हैलोजन अटैच हो तो ये होगा तो यही कार्बन SP3X बॉन्ड, बट इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं हम अलाइलिक कार्बन, तो इसलिए इनको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। जैसे हमने लिख दिया CH2CH2CH2Cl, तो ये हमारा अलाइलिक कार्बन है, इस पे क्लोरीन अटैच है, तो ये हो गया अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। अगर रिंग हो तो उसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लो ये हमारा एक साइक्लोहेक्सीन है, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे ये नेक्स्ट वाला कार्बन ये, और ये दोनों ही अलाइलिक कार्बन है। अगर यहाँ पे हमने कोई हेलोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने कोई हेलोजन अटैच कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, अलाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, उस पर जो भी हेलोजन अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम अलाइलिक हैलाइड।
नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। अगर बेंजाइलिक कार्बन पे हैलोजन अटैच हो तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है विच इज नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ये एक एरोमेटिक रिंग है, इसके सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस कार्बन पे कोई हैलोजन अटैच है, इस कार्बन पे कोई हैलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, देखो इस तरह से हम और एग्जांपल दे सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा ऐसे हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया और ये लिख दिया CH2CH3। तो ये भी क्या होगा हमारा, एक बेंजाइलिक हैलाइड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग नोन एज बेंजाइलिक कार्बन एंड देन हैलोजन अटैच टू दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है प्रोपरगाइल हैलाइड। ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, इसको नोट कर लेना। अगर प्रोपरगाइल कार्बन पे कोई हैलोजन अटैच हो तो वो पूरा कंपाउंड हो जाता है प्रोपरगाइल हैलाइड। प्रोपरगाइल कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है तो उसको बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक कार्बन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे कोई हैलोजन अटैच है तो इस कार्बन को बोलेंगे प्रोपरगाइल कार्बन। तो इस तरह से अगर ये हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमने लगा दिया हाइड्रोजन और इस पे एक और कार्बन और यहाँ पे हमारा हेलोजन अटैच हो तो इसको बोलेंगे प्रोपर गाइल हेलाइड। ये है तो sp3 हाइब्रिडाइज भी, तो ये क्या होगा sp3 x बॉन्ड। तो पर इस कार्बन पर क्योंकि ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपर गाइल कार्बन। तो ये जो पूरा कंपाउंड है हो जाएगा प्रोपर गाइल हेलाइड। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, हैलोजन इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही किसी एक कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच है तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड और इन कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। देखो ये याद रखना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन अटैच है तो उसको तो बोलेंगे अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे के ही कार्बन पे डायरेक्टली है हैलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। इसमें कार्बन sp3 x बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन sp2 x बॉन्ड होता है क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनमें एक डबल बॉन्ड है। तो ऐसे हैलाइड को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, जिसमें हैलोजन है वो एक डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही कार्बन पे अटैच हो, दैट इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। और ये होगा कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये इस तरह से भी हो सकता है, मान लो साइक्लिक में ये एक साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज है, इससे डायरेक्टली एक हेलोजन अटैच है तो ये भी क्या हो गया, विनाइलिक हलाइड। नेक्स्ट है अराइल हलाइड, जिनको हेलो अरिंग्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, छह की छह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इससे डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच है तो उसको हेलो अरिंग्स बोलते हैं या फिर अराइल हलाइड बोलते हैं कॉमनली। तो ऐसे को बोलते हैं, ये भी क्या है, इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, इससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो कौन सा हो गया, कार्बन sp2 x बॉन्ड हो गया। इनको बोलते हैं अराइल हलाइड या फिर हेलो अरिंग्स। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp x बॉन्ड, मतलब कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है तो उसमें वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, उसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें क्या है, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के एक कार्बन पे डायरेक्टली अगर हेलोजन अटैच है, ये क्या हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, तो इनसे डायरेक्टली जो हेलोजन अटैच होगा तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp x बॉन्ड, कार्बन sp x बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन में यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोमनक्लेचर, कैसे नोमनक्लेचर करते हैं हेलोजन, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।